हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कॉफ़ी के बारे में। क्या कॉफ़ी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है? क्या कॉफ़ी के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है या कुछ फ़ायदा भी है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आजकल लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या कॉफ़ी रियली हमें फ़ायदा करती है या नुकसान करती है? आंसर इसका बहुत सिंपल है, नुकसान करती है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके नुकसान हैं क्या। कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं इसमें फैट काफ़ी प्रेजेंट होता है, बिकॉज कॉफ़ी कंटेन करती है कैफेस्टॉल, डेट्स वाई कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देती है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट कैफिनिक एसिड, सेकंड क्लोरोजेनिक एसिड, थर्ड कैफीन प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, आजकल मोस्टली जो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कॉफ़ी पीने से, वो ये है रेस्टलेसनेस एंजाइटी, जिसमें रेस्ट करने के बाद भी आप रेस्टलेस फील करते हैं और आपको काफ़ी एंजाइटी यानी कि बेचैनी होने लगती है। अगर कोई लैक्टेटिंग वुमेन कॉफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पीती है तो इससे बच्चे के पेट में दर्द होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अगर आप कॉफ़ी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक डेली लेते हैं तो वो आपकी बोन्स और मसल्स को कमज़ोर बना देती है, बिकॉज कॉफ़ी में कैफीन प्रेजेंट होता है जो कि एक CNS स्टिमुलेंट है, जो कि आपकी बोन्स में कैल्शियम को कम करता है और इंस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी बढ़ा देता है। और फ्रेंड्स, कैफीन एक एडिक्टिव भी है। मोस्टली लोगों से आपने सुना ही होगा कि मैं बिना कॉफ़ी काम नहीं कर सकता, मुझे कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, एक बड़ा कप कॉफ़ी में 90 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन प्रेजेंट होता है, जो कि कैफीन की एक हाई डोज है। और सबसे ख़राब चीज़ जो कॉफ़ी में है वो है ये एक एडिक्टिव है। कॉफ़ी एज अ CNS स्टिमुलेंट होने की वजह से आपको कॉफ़ी शाम को 5 या 6 बजे के बाद नहीं ले, क्योंकि वो आपको स्लीपलेसनेस फील कराती।